इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है। 66वीं संयुक्त बीपीएससी की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सुधीर कुमार इस परीक्षा में टॉपर रहे हैं। अमृत्य कुमार आदर्श दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं आयुष कृष्णा को इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में तीसरी रैंक हासिल हुई है, जबकि सदानंद कुमार चौथी रैंक हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर इस वक्त की, जिन अभ्यर्थियों ने 66वीं बीपीएससी की परीक्षा दी थी, जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके लिए बड़ी खबर है। संयुक्त बीपीएससी की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इस परीक्षा में बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी के टॉपर रहे हैं सुधीर कुमार। सुधीर कुमार ने इस परीक्षा में टॉप किया है और अमृत्य कुमार आदर्श इस परीक्षा में दूसरे स्थान पर काबिज रहे हैं। आयुष कृष्णा को तीसरी रैंक और सदानंद कुमार को चौथी रैंक हासिल हुई है। विनय कुमार रंजन ने पांचवा स्थान हासिल किया है परीक्षा में, जबकि मोनिका श्रीवास्तव छठी रैंक पाने में कामयाब रही हैं। सातवें स्थान पर रहे हैं सिद्धांत कुमार और अंकित कुमार सिन्हा को आठवां स्थान मिला है। सफलता की सूची में, सफल अभ्यर्थियों की सूची में नौवें स्थान पर रहे हैं ब्रजेश कुमार और दसवीं रैंक मिली है अंकित कुमार को। तो टॉप टेन जो रहे हैं इस परीक्षा में, उनका नाम हमने आपको बताया है। कुल 689 पदों पर 685 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रीतम बताएं। जी ये बिल्कुल एक बड़ी खबर है, खासकर जो बिहार में जो जितने भी विभाग हैं उसमें एक अरसे से जो अधिकारियों की जो कमी है वो महसूस की जा रही थी, और आज जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने जो 66वीं बीपीएससी जिसके लिए साल 2020 में पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज जाके उस जो प्रक्रिया है उसका समापन हो गया है। आज अंतिम नतीजों की घोषणा हो गई है। दरअसल ये शाम में ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि आज जो है 9 बजे के आसपास जो है वो परिणाम की घोषणा होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा से पहले जो लोकसभा आयोग के जो जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, जो सचिव होते हैं, उन लोगों की एक बैठक हुई और बैठक के बाद जो है इस रिजल्ट को अंतिम रूप दिया गया। तो कह सकते हैं कि जो 8 मई 2022 को यानी 2 महीने पहले जो एक प्रकार से जो लोकसभा आयोग की जो किरकिरी हुई थी, जब 67th बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी, तो उस जो किरकिरी हुई थी उस बदनामी को एक प्रकार से हटाने के लिए, उस को हटाने के लिए जो है आज लोकसभा आयोग ने रिजल्ट की घोषणा की है, और महज 2 साल के अंदर जो है इस परिणाम की घोषणा हो गई है। और कह सकते हैं कि जो आयोग ने कहा था ताबड़तोड़ जो है वो लगातार जो है नतीजों की घोषणा हुई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने बताया कि अधिकारियों की कमी से बहुत सारे विभाग जूझ रहे थे और वहां पर वो कमी दूर होगी, क्योंकि हम बता दें एक बार फिर से दर्शकों को कि ये जितने भी अधिकारी चुनकर आए हैं, ये 685 नए अधिकारी अब बिहार सरकार को मिलेंगे, बिहार में काम करेंगे, अलग अलग विभागों में काम करेंगे। तो 685 लगभग 700 के करीब अधिकारी नए जो हैं वो चुनकर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ आयुष कृष्णा, जिन्होंने इस बीपीएससी के सफल अभ्यर्थियों में तीसरी रैंक हासिल की है, वो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आयुष कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है आयुष, पहला रिएक्शन आपका मैं जानना चाहता हूं, दर्शकों को बताइए कैसा लगा इस रिजल्ट के बारे में जान के, आपने टॉपर्स की लिस्ट में तीसरी रैंक हासिल की है। अब सर अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी दिया था तो इंटरव्यू तक गया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो फिर मैं, मेरे पिताजी ने कहा कि बीपीएससी को भी सीरियसली लेना है, तो फिर मैंने सर बीपीएससी दिया था उस वक्त, तो पहले नहीं हुआ था, पर तो ये है सर, अच्छा तो लग रहा है। अभी सर कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया था सर मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो उसमें भी सर यूपीएससी में रैंक 6 आया था मेरा, और तो सर यही है, अभी फिर मेंस देना है मुझे सर सितंबर में, तो थोड़ा वैसे है कि ठीक है आ गया, पर अभी मेंस देना है सितंबर, 16 सितंबर से है यूपीएससी का, तो ये सब चल रहा है सर। यानी अभी और बेहतर करने का जज्बा आपके अंदर है कि और बेहतर करना है? हाँ सर, अभी प्रीलिम्स निकल गया है तो पहले भी दे रखा हूँ मेंस, तो मैंने क्या कर रहा हूँ सर, अब देखते हैं आगे, मतलब जैसा हो। पर अच्छा, जब परीक्षा दे रहे थे आयुष, तो क्या ये उम्मीद थी कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे, टॉप 10 में या टॉप 5 में, और वो भी टॉपर्स में तीसरी रैंक हासिल करने में कामयाब रहेंगे, भरोसा था अपने आप पर? सर भरोसा मतलब, क्योंकि सर मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ाई करके मतलब एक टॉपर बनना मेरे को लगता है सर वो अपने हाथ में नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। मेरे पेपर अच्छे गए थे, जैसे फिजिक्स में मैंने सारे पेपर अटेम्प्ट किए हैं, 300 नंबर के 300, पर सर मैं ऐसा श्योर नहीं था कि
मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, या मेरे को लग रहा था कि हो भी जाए तो, मतलब ऐसा था मेरा सर, ऐसा तो नहीं था कि मैं टॉप में आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं था सर। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आप सफल हुए हैं तो आप एक बार उन युवाओं को कुछ संदेश आप देना चाहें, चूंकि बहुत सारे अभी भी युवा हैं जो तैयारी करते हैं और बिहार में तो खास तौर पर सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, उनको कोई छोटा सा संदेश आप देना चाहें। सर, एक छोटा संदेश यह है कि मेरे हिसाब से जो है मार्केट में जो है मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि ये बोलते हैं ना पैंडेमिक होता है उसी तरह इन्फोडेमिक होता है। इन्फोडेमिक मतलब कि इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा, यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बिल्कुल। तो किसी का गाइडेंस मेरे को लगता है सर बहुत जरूरी है, गाइडेंस, क्योंकि आप और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम अगर SHG पढ़ने जाए तो हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप हम पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगे, पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के चैलेंजेस, एप्लीकेशन, स्टूडेंट में क्या चल रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, तो वो क्वेश्चन पेपर देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर, मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, मतलब तो आगे चलने वाले, मतलब कुछ समय में मैं बिल्कुल करूंगा लोग पे। चलिए, यानी आपका ये मानना है कि बहुत ज्यादा दायरा नहीं फैलाना है, वही पढ़िए जो जरूरी है ताकि आप उसी पर फोकस कर सकें, कि जो उस पेपर से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ताकि उसी पर आप फोकस्ड रहें और रिजल्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आयुष बहुत बहुत बधाई।